हमें स्कूल्स और कॉलेजेस में हमेशा से पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में झूठ कहा गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पॉल्यूटिंग एजेंट्स सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन तक ही सीमित है। लेकिन क्या आपको पता है, ग्रीन पीस ने किए एक एनालिसिस के हिसाब से सारे कार्स, वैन्स, ट्रक्स, एयरप्लेन से जितना एमिशन होता है हर साल, उतना ही या उससे कई ज्यादा एमिशन ग्रीन हाउस गैसेस एनिमल एग्रीकल्चर या लाइफ स्टॉक से एमिट होते हैं। आसान शब्दों में अगर कहूँ तो सिर्फ यूरोप के एनिमल एग्रीकल्चर से इतने एमिशन हो रहे हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू फ्लाइंग अक्रॉस द ग्लोब नॉट वंस, नॉट ट्वाइस, बट 3 मिलियन टाइम्स। तो हमारे प्लैनेट की हालत करने के लिए हमारी इग्नोरेंस इस एनिमल फार्मिंग के वेपन को कैसे यूज कर रही है, इसको जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एनिमल फार्मिंग ज्यादातर मीट, मिल्क और एग्स के लिए किया जाता है, जिसमें से मीट इज द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल। दुनिया में हम लगभग 350 मिलियन टन ऑफ मीट को कंज्यूम करते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि मीट कंज्यूम करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि मीट खाने से ह्यूमंस एक्चुअली ह्यूमंस बनते हैं। तो इस आर्ग्यूमेंट के डेप्थ में जाते हुए, लेट्स सी दैट हाउ एंड व्हेन डिड ह्यूमंस चेंज देयर डाइट। हमारे 65 मिलियन ईयर्स ओल्ड एंसेस्टर्स का नाम था पुर्गेटोरियस, हु वर एक्चुअली वीगन्स। वो पेड़ों पर रहकर फूल, पत्ते या फिर फल खाया करते। लाखों साल तक यही वीगनिज्म चलते रहा, लेकिन करीब 6 मिलियन साल पहले हमारे इस एंसेस्ट्रियल सिनेरियो में एंट्री हुई सेलेंट्रोपिस टिकैंडिसिस की। ये प्राइमेट स्पीशीज हमारे और हमारे कजिन स्पीशीज, दैट इज द चिम्प्स एंड द बोनोबोस के बीच एक डिवाइडर थी। यहाँ से शुरू हुआ ह्यूमन एंसेस्टर्स या होमिनिन का सफर, और सबसे पहला होमिनिन स्टेज था सेलेंट्रोपिस, जिनकी अगर एटोनॉमी देखी जाए तो ये पता चलता है कि उनके कैनन टीथ उनके प्राइमेट एंसेस्टर से छोटे थे और उनका एनिमल उनसे थिकर था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उनके चबाने की कैपेसिटी पुर्गेटोरस से बहुत ज्यादा थी। तो जहां माउस और स्क्यूरल के क्रॉस के जैसे दिखने वाले हमारे एंसेस्टर्स फूल और पत्तों जैसे नाजुक चीजें खाया करते, जिनको चबाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, वहां सेलेंट्रोपिस और उनके बाद आने वाले स्पीशीज नट्स, ट्री बर्क, रूट्स जैसे सारी ही चीजें कंज्यूम करना शुरू कर दिए थे। यहाँ इस स्टेज पर अर्ली प्राइमेट्स का वीगनिज्म धीरे धीरे डिसॉल्व होने लग गया था, लेकिन ज्यादा नहीं। ये पॉसिबिलिटी है कि शायद ऑस्ट्रालोपिथेकस ने मीट कंज्यूम किया हो, बट देयर गट्स वर नॉट रेडी टू कंज्यूम द मीट हैवी डाइट। लेकिन अगर एक ऑस्ट्रेलियोपिथ मीट कंज्यूम कर ले तो उसे शायद स्टमक एक, ब्लोटिंग और नौजिया जैसी चीजें हो सकती है, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन 2.5 मिलियन साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे हम ह्यूमंस हमारे प्राइमेट एंसेस्टर्स के वीगनिज्म को तोड़कर पूरी तरीके से कार्निवोर बन चुके थे। पहली बात तो तब तक ह्यूमंस ने स्टोन्स बनाना शुरू कर दिया था, और दूसरी बात हमारी बॉडीज इवॉल्व होने लग गई थी। सीड एंड नट के डाइट को एक्सेप्ट करते हुए ह्यूमंस ने मीट कंज्यूम करने के लिए अपने बॉडी को तैयार किया। उसके अलावा इसी दौरान बारिश एक रेयर फिनोमेनन बन चुका था। इसका मतलब ये था कि वीगन डाइट के भरोसे रहना हम ह्यूमंस के लिए एक ऑप्शन नहीं रहा होगा। जिन लोगों ने वीगनिज्म को कंटिन्यू किया वो एक्सटिंक्ट हो चुके थे, और जिन लोगों ने मीट खाना शुरू किया दे स्टार्टेड इवॉल्विंग। और अब वही लोग स्पेस में दूसरी धरती ढूंढ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग इतना ज्यादा बढ़ चुका है। पॉल्यूशन और पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन कुछ इस रेट पे हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द स्टडीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, हमारे पास सिर्फ 8 साल बचे हैं रहने के लिए। पिछले 50 सालों में पॉपुलेशन के साथ ही साथ मीट की डिमांड भी इंक्रीज हो गई है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पिछले 50 सालों में कैटल्स और पोल्ट्री एनिमल्स की पॉपुलेशन भी बढ़ चुकी है। 2018 की यूएन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ यूरोप का ही लाइफ स्टॉक 502 मीटर टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन इन्हीं लाइफ स्टॉक्स को रेयर करने के लिए जंगल को तोड़कर आर्टिफिशियल ग्रासलैंड्स बनाए जाते हैं। लेकिन अगर एनिमल फार्मिंग को कमर्शियल लेवल पर कंसिडर किया जाए तो लगभग 704 मीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जितना एमिट होता है, विच इज बिगर देन द 656 मीटर टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज एमिटेड फ्रॉम द कार्स इन यूरोप। 2007 से 2018 तक मीट और डेयरी प्रोडक्शन में कुल 9.5% का राइज देखा गया था, यानी एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशन में कुल 39 मिलियन टन का इंक्रीज। ये सड़क पर और 8.4 मिलियन कार से एमिशन के जितना है। काउज और दूसरे डोमेस्टिकेटेड रूमिनेंट एनिमल्स अपने वीगन डाइट को डाइजेस्ट करते टाइम मीथेन एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ बर्प। कैटल्स के मैन्योर से भी मीथेन गैस एमिट होता है, एंड लेट मी टेल यू दैट मीथेन इज बाय फार द वर्स्ट ग्रीन हाउस गैस व्हेन कंपेयर्ड टू CO2। सिंपल भाषा में अगर कहे तो मीथेन 25 से 100 गुना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है व्हेन कंपेयर्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड इफ वी व्यू देम इन द टाइम फ्रेम ऑफ 20 ईयर्स। मीथेन इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है कि उसमें 86% ज्यादा पोटेंशियल है फॉर ग्लोबल वार्मिंग व्हेन कंपेयर्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन के अलावा नाइट्रस ऑक्साइड भी एक ऐसा ग्रीन हाउस गैस है जो एनिमल फार्मिंग से रिलेटेड है। नाइट्रस ऑक्साइड
रूमिनेंट वेस्ट और कैटल्स के डाइट के लिए प्रोड्यूस किए गए कैटल्स फीड के लिए यूज होने वाले केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से एमिट होते हैं। ये ग्रीन हाउस गैस 296 टाइम्स ज्यादा पोटेंशियल रखता है व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल वार्मिंग व्हेन कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। और सबसे डेंजरस बात ये है कि सिर्फ लाइफ स्टॉक की वजह से नाइट्रस ऑक्साइड का 65% ह्यूमन रिलेटेड एमिशंस होता है। इस सबसे एक बात तो क्लियर है कि कैसे मीट के वजह से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो रहा है। 350 मिलियन टन जितना मीट कमर्शियल लेवल पर बनाने के लिए कितने ज्यादा फार्म एनिमल्स और बर्ड्स को यूज किया जाता है ये तो अंदाजा आप लगा ही सकते हो। इतने सारे एनिमल्स को रेयर करने के लिए और उनके लिए सोय और कॉर्न जैसे क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए कुल 26% ऑफ द लैंड यूज किया जाता है। द कैटल्स नीड टू बी रेयर्ड ऑन पैश्चर्स, देयर फूड नीड्स टू बी कल्टीवेटेड इन एन एग्रीकल्चरल लैंड। और इन दोनों के लिए चाहिए होता है एक प्लेन लैंड जिसके लिए सारे जंगल्स को मिट्टी में मिलाया जाता है। अब पेड़ को तोड़कर कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, बारिश कम हो जाती है, ये सब के बारे में तो हमें पता ही है, लेकिन बार बार इन लैंड्स पर वही कमर्शियल क्रॉप्स उगाकर उस पे बार बार केमिकल फर्टिलाइजर्स छिड़क कर हम सॉइल को भी इनफर्टाइल बना देते हैं। ओवर ग्रेजिंग की वजह से वहाँ के सारे नेचुरल वेजिटेशन खत्म हो जाते हैं और मिट्टी को बारिश और फ्लड से बचाने के लिए जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो भी नहीं होते हैं। दिस रिजल्ट्स इन द इरोजन ऑफ द टॉप फर्टाइल लैंड एंड कन्वर्ट्स अ लैंड फुल ऑफ लाइफ इनटू अ डेजर्ट। मीट इंडस्ट्री ने अमेज़न के जंगल को भी नहीं छोड़ा। ब्राजील के इस सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट के बारे में भी आए दिन हम डिफॉरेस्टेशन की कहानियां सुनते रहते हैं, तो अगर इसी रेट से डिफॉरेस्टेशन होते रहा तो अमेज़न अपना रेन फॉरेस्ट का टाइटल खो बैठेगा। नॉट ओनली अफेक्टिंग द इंडिजिनियस पीपल एंड एनिमल्स बट अ मेजर पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। यही नहीं, लेकिन डिफॉरेस्टेशन में इंडिजिनियस ट्राइब्स को कमर्शियल इंडस्ट्रीज के आने वाले वायलेंस का भी सामना करना पड़ता है। फॉरेस्ट में लैंड ग्रैबिंग बहुत कॉमन सी चीज हो गई है, लेकिन फॉरेस्ट को रिजर्व करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस और लोग बहुत रेयरली पाए जाते हैं। लैंड के साथ ही साथ वाटर रिसोर्सेज के लिए भी मीट कंजम्पशन एक नाइटमेयर है। किप एंडरसन के डॉक्यूमेंट्री काउस्पिरेसी में यह कहा गया है कि एक हैमबर्गर बनाने के लिए कुल 660 गैलन ऑफ वाटर को यूज किया जाता है, दैट इज ऑलमोस्ट 3000 लीटर्स, और यू कैन से दैट इज इक्विवेलेंट टू शावरिंग फॉर 2 entire months। ये कुछ फैक्ट्स है जो पीटा ने हमें बताया है दैट शोज द डेंजरस रिलेशन ऑफ वाटर एंड मीट प्रोडक्शन। अगर आप रेगुलरली मीट कंज्यूम करते हो तो आप एक दिन में कुल 15000 लीटर पानी यूज कर रहे हो। एक वीट के प्लांट को ग्रो करने के लिए 1790 लीटर का पानी यूज होता है, वही 1 किलो के बीफ प्रोडक्शन के लिए उसका 5 गुना पानी यूज किया जाता है। जबकि वही पानी और खाना ऐसे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है जो भूख और प्यास की वजह से अपनी जान खो बैठते हैं। हम ह्यूमंस एक साल में करीब 20 बिलियन लीटर का पानी कंज्यूम करते हैं और मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स को रेयर करने के लिए यूज किए गए कैटल्स उससे 8.5 times ज्यादा पानी कंज्यूम करते हैं। ऑन द टॉप ऑफ दिस, जिन एनिमल्स को फूड के लिए रेयर किया जाता है वो ह्यूमन पॉपुलेशन से 10 गुना ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इवेंचुअली गोज इन द वाटरवेज। ये सारे फैक्टर्स एनवायरनमेंट को डायरेक्टली और हम ह्यूमंस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, लेकिन मीट कंजम्पशन हम ह्यूमंस को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। अ डेडली अटैक वेल डिस्गाइज्ड एज एन एपिडेमिक और अ पेंडेमिक। 3 out of 4 डिजीजेस इन ह्यूमंस ओरिजिनेट फ्रॉम एनिमल्स। इसके अंदर एवियन फ्लू और स्वाइन फ्लू जैसे डिजीजेस एकदम आराम से फैल जाते हैं। आजकल तो एनिमल्स को ज्यादा टाइम तक जिंदा रखने के लिए और उनके ग्रोथ को आर्टिफिशियली बूस्ट करने के लिए एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, विच इन टर्न मेक्स बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू देम टर्न देम इनटू सुपर बग्स, यानी ऐसे डेडली डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस जिन्हें एंटीबायोटिक्स या किसी भी दूसरे मेडिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप ही सोचिए कि अगर ऐसे वायरसेस बढ़ते गए और ह्यूमंस में फैलते गए तो ये कितना ज्यादा फेटल हो सकता है। यूके के कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर 2050 तक ह्यूमंस क्लाइमेट चेंज के शिकार नहीं बने तो ये सुपर बग्स के शिकार तो जरूर बनेंगे। ऊपर से यहाँ हम एनिमल रेयरिंग की बात कर रहे हैं जहाँ पे हजारों नहीं लेकिन लाखों एनिमल्स को एक छोटे से जगह पर पैक करके रखा जाता है, विच इन is a hotspot for any disease. क्लाइमेट चेंज ये सारे डिजीजेस को स्प्रेड करने के लिए कैटलिस्ट बन जाता है, थैंक्स टू द डे बाय डे इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन आर अर्थ। ओवरऑल मीट प्रोडक्शन में काफी सारे एनिमल्स को भी ह्यूमन क्रुएल्टी से गुजरना पड़ता है। एक एस्टिमेशन अगर देखा जाए तो हर रोज 200 मिलियन लैंड एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है, दैट इज 72 बिलियन इन अ ईयर। इस नंबर से भी ज्यादा हॉरिफाइंग वो सिनेरियो है जहां पर काफी इनह्यूमन तरीके से इन एनिमल्स को मारा जाता है। बेटर यील्ड के लिए इन एनिमल्स को इनसेमिनेट किया जाता है। सबसे बुरी हालत तो इन एनिमल्स के बेबीज की होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम काफ्स की बात करें, काफ्स का जन्म होते ही उन्हें अपनी माँ से दूर किया जाता है और एक कंजेस्टेड जगह पर रखा
पका जाता है जिससे उनका ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाए। सॉफ्ट मसल्स मीन्स सॉफ्ट एंड जूसी मीट फॉर द कोल्ड हार्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट टू मेक देयर मनी। कई सारे एनिमल एक्टिविस्ट ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन बिकॉज ऑफ अ ह्यूज डिमांड ऑफ मीट इन द मार्केट, ऑर्गेनिक ह्यूमन प्रैक्टिसेस के लेबल्स के पीछे ना जाने क्या होता होगा। इस सिचुएशन को एकदम रियलिस्टिक तरीके से डिपिक्ट करती है साउथ कोरियन फिल्म ओगजा, जिसमें पूरी दुनिया को बताया गया है कि स्लॉटर हाउसेस की सच्चाई क्या है। इस फिल्म को देखकर कई सारे लोग वीगनिज्म को फॉलो करने लग गए और अब लोगों को एनिमल क्रुएल्टी के बारे में पता चलने लग गया है। एनिमल फार्मिंग और मीट कंजम्पशन ने क्लाइमेट चेंज को ट्रिगर करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। शॉर्ट टर्म क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम लॉन्ग टर्म डिस्ट्रक्शन को नहीं देख पा रहे, लेकिन ऑन द ब्राइटर साइड ये सब कुछ कम करने के लिए डिस्कवरीज और रिसर्चेस चालू हो चुकी है। उसके अलावा कैटल्स के मीथेन प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए भी कई सारे टेक्निक्स यूज किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ चेंज इन देयर डाइट, जहां उनसे सी वीड कंज्यूम कराया जा रहा है, दैट रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बाय ऑलमोस्ट 80%। मेथोजोन्स ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिनकी वजह से मीथेन प्रोड्यूस होता है, तो कैटल्स को उनके अगेंस्ट वैक्सीनेट करके भी मीथेन प्रोडक्शन को कम किया जा सकता है। एडिंग फैट्स टू अ काउज डाइट कैन सर्व द सेम पर्पस। लैब्स में क्लीन मीट प्रोड्यूस करने की भी कोशिश की जा रही है। इससे 99% कम लैंड और 96% कम पानी यूज किया जाएगा। तो जाते जाते मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारा एनवायरमेंट ही नहीं रहा और ये पूरी दुनिया बर्बाद हो गई, तो हमारे जो पैसे है उसका हम करेंगे क्या? सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, एंड हमें कमेंट्स में बताइए दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट मीट प्रोडक्शन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बिग ब्रेन को फॉर मोर सच वीडियोज़।